हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बेटा लेक्चर नंबर 6 है। ओके, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायमैग्नेटिज्म की, ठीक है ना, यानी कि प्रतिचुंबकत्व की। होता क्या है यह, मतलब कि किस प्रकार इसका नाम पड़ा डायमैग्नेटिज्म, यानी कि प्रतिचुंबकत्व, कैसे पड़ा नाम, सारी बातें जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर पीछे का लेक्चर देख के नहीं आया हो तो पीछे का लेक्चर देख के आ जाओ, वहाँ पे भी बातें बहुत सारी बताई गई हैं उसके बारे में, यहाँ पे बहुत हेल्प होगा आपका। ओके, अगर वहाँ सारी चीज़ें पढ़ के आए हो तो बेटा यहाँ पे आराम से पढ़ लोगे। हालांकि हमको पढ़ना है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, तीनों पढ़ना है, बट तीनों अलग लेक्चर के बनेंगे वीडियो बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं डायमैग्नेटिज्म। कि डाया मैग्नेटिज्म क्या होता है, डाया मैग्नेटिज्म, इसकी हिंदी होती है प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व। चलिए आपको थोड़ी मोड़ी बातें बताते हैं, अभी थोड़ी मोड़ी बातें बताते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक एटम है, अगर एक एटम है बेटा, मान लो एक एटम है अगर, तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ओके, और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा हो, इसमें एटम है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करेगा इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट आपका इधर बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर चलेगा, पक्का चलेगा। और करंट चलेगा तो बेटा ये बन जाएगा आपका करंट कैरिंग लूप। ये क्या बन जाएगा, करेंट कैरिंग बेटा ये लूप बन जाएगा, ठीक है। और करेंट कैरिंग लूप बन जाएगा तो बेटा आप जान रहे हो ना, जिधर से बेटा एंटी होता है क्लॉकवाइज, उधर एन होता है, जब क्लॉकवाइज उधर एस होता है, नॉर्थ साउथ पोल दिखाएगा। करेंट कैरिंग लूप है तो बेटा ये मैग्नेट होगा, ठीक है ना। और मैग्नेट के होने के नाते बेटा ऊपर एन और एस है, यह क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा तो बेटा इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, इसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बेटा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड निकालो, करंट की ओर कर्ल करो, अंगूठा इधर जाए, वही होता है ना अपना इसका डायरेक्शन। चलिए तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूं कि ऐसे एलिमेंट जो होते हैं जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझना हमारी बात को, अगर एटम है तो खाली एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात किया हूं, ऐसे एलिमेंट जिसमें बेटा पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा क्या, जैसे मान लिया हीलियम है, हीलियम है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं इसका बनाऊं बेटा तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं, सीधी सीधी बात जान लो ना, मैं बताता हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन सॉरी ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं, पेयर्ड का मतलब क्या, इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 18, 20 ऐसे। तो अगर मान लो कि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो का मतलब क्या, एक अगर इधर चलेगा दूसरा इधर चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है उनका ऑर्बिटल वाला। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो मैंने पीछे बताया था कि किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट तीन वजह से बनता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की बेटा ऑर्बिटल मोशन से, और एक उसके स्पिन मोशन से, और एक न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन वाला बहुत ज़्यादा होता है और स्पिन बहुत कम होता है, और बेटा न्यूक्लियस वाला बहुत कम, उसे पढ़ाई नहीं करते उसकी हम लोग, हम केवल बेटा यही पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो ये बातें आप जानते हो। अगर बेटा पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे चलेगा एक ऐसे चलेंगे, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक का इधर और एक का कहीं इधर जाएगा, मिस कर जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे बेटा एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट,
ऐसी एलिमेंट जिनमें क्या हो, पेयर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि जिनके एटम के पास पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम के पास पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उनका बेटा नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे देखो जरा, मान लो बेटा ये कोई एटम है, चलो मान लेते हैं ये कोई आपके पास सॉरी एलिमेंट है, इनमें कई सारे एटम है, इसमें कई सारे एटम है। अब मैंने बोला ना, अगर इनके सभी एटम जो हैं, मान लो सभी हीलियम के ही हैं, मान लो एटम, ठीक है, तो सबके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनका अपना अलग पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका वाला इनके वाले को मिस कर रहा है, इनका वाला इनके वाले को मिस कर रहा है, सब खत्म कर दे रहा है मिला जुला के। यानी कि बेटा नेट डाइपोल मोमेंट अगर मैं पूछूं, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ हीलियम एटम, तो कितना बोलोगे, जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलूं कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, दैट एलिमेंट हुज एटम, जिनके एटम बेटा कैप्ट पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके एटम बेटा पेयर इलेक्ट्रॉन रखे हो, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट एलिमेंट हुज एटम कैप्ट पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिनका जो एटम है पेयर इलेक्ट्रॉन रखा है इवन नंबर में, सीधे सीधे बोलो बेटा, ऐसे एलिमेंट जिनका एटम इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन रखा है, उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इसी को हम बोलते हैं बेटा डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं इन्हीं को, ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम में पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, उन्हीं हम तत्वों को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं। और जो सारी फेनोमिना देख रहे हो ना, सारी जो फेनोमिना है ना, जो सारी फेनोमिना देख रहे हो, सारी घटना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमैग्नेटिज्म, उसे क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं उसको। आर यू श्योर, यहां तक बात कन्फर्म है ना। तो बेटा ऐसे तत्व जिनके एटम के पास पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, कई सारे एटम है, सबका अपना अपना पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनका खुद जीरो, इनका जीरो, इनका सबका जीरो हो जाएगा। यानी कि इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इनके पास कोई डाइपोल भी नहीं होता, कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे एलिमेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं। अब यहां तक बात आपकी क्लियर होती है, ठीक है ना। इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं फिर, तो चलो बेटा आगे देखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि अगर जो भी डायमैग्नेटिक एलिमेंट हैं, उनके पास नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी कि उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी डाइपोल ही नहीं होते। हम बोलेंगे देयर आर नो एनी डाइपोल, एनी डाइपोल इन डाया मैग्नेटिक एलिमेंट, इन डाया मैग्नेटिक एलिमेंट, ओके। डाया मैग्नेटिक एलिमेंट के पास कोई डाइपोल ही नहीं होता, सो उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता। जैसे मान लिया, अब देखो क्रिया करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, समझो बात को। ये मान लो कोई डाया मैग्नेटिक एलिमेंट है, ओके, इनके पास कोई डाइपोल नहीं है, सब जीरो है, चलो मान लो सब जीरो है, सब जीरो है, मैंने इसे दिखा दिया आपको, जीरो जीरो जीरो, ये आपका डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, जिनके पास कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम करने वाला हूँ जो कि आपको हर जगह काम करेगा, बस देखो बढ़िया से। मैंने कहा कि इसके ऊपर से या इधर से बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड दो, मैंने क्या करा, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड दो। अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड इनको देते हो आप, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो, तो बेटा दो घटनाएँ घटती हैं,
देखो अगर इनके बगलिया में से जबरदस्ती करवाएंगे, थोड़ा जबरदस्ती करवाएंगे, सीधे तो मान लिए सीधे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती करवाएंगे काम। मैंने बोला टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो घटनाएं घटेंगी जो भी डाइपोल होते हैं हर जगह काम करेगा, डाइपोल एलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, डाइपोल एलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक घटना यह घट सकती है बेटा, आप सोचो भले इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, अभी मैं लाऊंगा वहां पे कुछ करूंगा, लेकिन देखो कोई भी अगर एलिमेंट हुआ, अगर आपने उसके अगल बगल कोई मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो दो घटनाएं घटती हैं। एक क्या होता है कि जो डाइपोल होगा उन्हीं की दिशा में लाइन होगा, अगर इनके पास कोई डाइपोल मान लो है, अगर इनके पास कोई डाइपोल है तो इसी की दिशा में लाइन होगा, एलाइन मतलब कि उसी की दिशा में जाएगा, एलाइन अलाइनमेंट ओके। दूसरा क्या होगा, एक बेटा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनेगा, इंड्यूस एक क्या बनेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बनेगा, एक क्या बनेगा, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, यहां पे लिख सकते हो क्रिएट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, यह बहुत ज्यादा होता है दोनों में से। देखो एक इंड्यूस का मतलब क्या, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनका विरोध करेंगे, इंड्यूस का मतलब बेटा क्या जानते हो कि कुछ मतलब कि कुछ ऐसे डाइपोल होंगे जो मैग्नेट बाहरी वाले का विरोध करेंगे, और आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा लेंजला में। लेंजला क्या होता है, लेंजला में अगर आपने टेंथ में सुना होगा तो जानते हो कि जिससे जन्मता उसी का विरोध करता है, जिससे बना होता है फील्ड लाइन उसी का विरोध करता है, और ये हर चीजों में होता है। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे आपके लिए नया है, जानना जरूरी है, कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। तो या तो बेटा डाइपोल जो होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, यह मेजरली होता है, यह मेजरली होता है ठीक है ना, यह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जो क्रिएट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल यह बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, यह वेरी लेस होता है। दो घटनाएं मैं पढ़ाऊंगा आपको पैरा में भी और फेरो में पढ़ाऊंगा ठीक है ना, ये बात याद रखना हमेशा के लिए। दो घटनाएं घटती हैं, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो क्या करता है, मतलब कि हु अपोजेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओके, जो क्या करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है ठीक है ना, ये दो बातें समझ में आ गई ना। अब देखो मैंने अगर इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया तो जानते हो क्या होगा, इनके पास तो कोई डाइपोल है ही नहीं, एलाइन कहां से होंगे। मैंने क्या बोला, व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन डाया मैग्नेटिक एलिमेंट, ऑन डाया मैग्नेटिक एलिमेंट, हिंदी वाले को दिक्कत तो होती होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना नॉर्मल इंग्लिश कोई बोलता भी नहीं होगा टूटा फूटा। व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन डायमैग्नेटिक एलिमेंट, यानी कि जब मैंने इसके ऊपर या अगल बगल कहीं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी तो जानते हो क्या होगा, हम जानते हैं चूंकि डाया मैग्नेटिक एलिमेंट, चूंकि डाया मैग्नेटिक एलिमेंट हैज नो एनी मैग्नेटिक डाइपोल, नो एनी मतलब कि इसके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं। आपने अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको याद दिला देता हूं, आई प्रोपोर्शनल टू आपने पढ़ा है एच ठीक है ना, यानी कि आई इज इक्वल टू जीटा एच भी पढ़े हो, ये सब जानते हो आप। अब आई क्या है, अंदर वाला है, अंदर जो मैग्नेटाइज होते हैं, यश क्या है जो बाहर से देते हो, वो यश होता है। अब बेटा आई काम तो आई तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तो आई जीरो है, हियर आई इक्वल टू जीरो बिकॉज इनके अंदर कोई डाइपोल है ही नहीं, तो मैग्नेटाइज खा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक फिनोमिना आती है बेटा कि अगर इनके पास डाइप अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं मतलब कि जो आगे वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेग कम और बाहर वाले का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, दो इलेक्ट्रॉन अगर इनके पास है मान लो, तो इसका वाला थोड़ा सा कम और इसका वाला थोड़ा सा ज़्यादा। अब बराबर नहीं है, अब बराबर ना होने की वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट कुछ थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा हर एलिमेंट में बनता है, थोड़ा मोड़ा बनेगा। और क्या कर जानते हो कैसे बनता है वो, और मैं आपको बता दूँ वो ऐसे बनता है, ऐसे ये मान लो ये है, ये वाला तो जीरो हो गया, डाइपोल एलाइन तो होंगे नहीं,
क्योंकि इनके पास कोई डायपोल नहीं है, एलाइन नहीं होंगे, कोई डायपोल नहीं है, बस ये बनावटी कहानी कह सकते हो। अरे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने शुरू में ही कहा था कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली है लेकिन कुछ गलत नहीं, सब एक्सपेरिमेंटली है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर हालांकि ऐसे नहीं बनता, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जान लो, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में ऐसे फील्ड लाइन नहीं बनते, अभी मैं बनाऊंगा, लेकिन मैंने बाहर से कोई दिया तो जान थोड़ा छोटा 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 बनेगा, इसी की वजह छोटा छोटा डायपोल मोमेंट बनेगा बेटा, छोटा छोटा, जो कि इनका अपोज करेगा। अगर इधर है तो ये वाला इधर बनाएगा अपना, अपोज करे, इनको काटना चाहेगा। तो अभी फील्ड लाइन ये सही नहीं है, फील्ड लाइन में भी ड्रा करूंगा अभी इसके प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ तक आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, यानी कि बोल दोगे कि जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वीकली, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वीकली रिपल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में जो इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बना है वो क्या करता है, रिपल होता है, रिपल होता है। क्योंकि देखो इधर एन, इधर एन होगा, इधर यस होगा, इसका इधर यस, एन मिलेंगे, थोड़ा वीकली, थोड़ा इनको काटना चाहता है मिला जुला के। अब कहानी समझो, कहानी को लिखना सीखो, कहानी को समझो अपने, ठीक है ना। तो कहानी खत्म होती है, अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड फिल हो चुका है, तो बेटा अब चलते हैं इसको आगे देखते हैं। आपको समझ बढ़िया से आ रहा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब थोड़ी तो एक दो बातें आपको बहुत जाननी जरूरी थी, ये आप जान लो इसको, ठीक है ना। तो बेटा चलते हैं प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी क्या होती है। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक एलिमेंट, या फिर सबस्टेंसेस बोल सकते हो, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हालांकि आप जान लो कि बोर्ड से इसको इस समय हटा दिया गया है, यानी कि डाया पैरा और बेटा आपका फेरो, इसको आप यूपी बोर्ड ने हटा दिया है इस पोर्शन को, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरा पाठ नहीं हटाया है, खाली पोर्शन हटाया है, तो पढ़ना जरूरी है, हर चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो चलो देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब तक जितना भी पढ़े हो आप जानते हो कि इनके पास कोई डाइपोल नहीं होता, लिख दो यार आराम से, देयर आर नो एनी डाइपोल इन डायमैग्नेटिक एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, इच एटम ऑफ डायमैग्नेटिक एलिमेंट, मतलब कि बेटा डायमैग्नेटिक एलिमेंट की प्रत्येक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। दूसरा इनका क्या लिखें बेटा, देखो आप जितना भी आपने पढ़ा है वही सब आपको लिखना है, जितना भी पढ़ा है। दूसरा क्या है बेटा, दे यानी कि बेटा जो भी इसके डाइपोल्स आर वीकली रिपल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में जो इनके डाइपोल है क्या होते, वीकली रिपल होते हैं, बहुत हल्का फुल्का होता है। तीसरा देखो आपने पढ़ा है, चूंकि आई इज इक्वल टू जीटा एच होता है, नहीं अब एक बात देखना जरा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जीटा एच, आई भी वेक्टर एच भी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, यह क्या है मैग्नेटाइजिंग वेक्टर है और यह क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। चलो यानी कि सीधे सीधे जानो, ये अंदर वाला होता है इनको मैग्नेटाइज करता है और ये क्या होता है बाहर से देते हो होता है। चलो आई इज इक्वल टू जीटा एच, आई का देखो आपने एच का डायरेक्शन देखो, एच का बाहर की ओर है डायरेक्शन, एच का मान लो इधर है इधर, और आई का आपका इधर हो रहा है जो छोटा मोटा बन रहा है, तो
तो दोनों तो विपरीत हो गए ना, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जीटा एच। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जीटा एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I का डायरेक्शन बेटा आपका इधर है और H का इधर है, दोनों विपरीत होने वाले, यहाँ पे लग गया माइनस। यानी कि इसमें जीटा जो होता है ना, जीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये भी जान लो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं बेटा, उसमें जीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। जीटा किसमें होता है, निगेटिव होता है और बहुत छोटा होता है। हम बोलेंगे जीटा इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बोल सकते हो स्मॉल क्वांटिटी। जीटा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब सर बोलोगे सर ये कैसे जीटा बहुत स्मॉल होता है, तो अगर जीटा को स्मॉल दिखाना है देख लेते हैं यार। एच कितना भी बड़ा दोगे, एच कितना भी बड़ा दोगे, मैं यहां पे लिखता हूं एच कितना भी बड़ा दोगे, एच कितना भी बड़ा दोगे, आई छोटा ही रहेगा, आई छोटा ही रहेगा। क्यों? एच कितना ही बड़ा दोगे बेटा, आई छोटा ही रहेगा। यार यहाँ पे तुम कितना ही बड़ा दो, आई तो छोटा है, थोड़ा मॉडल बनाएगा, बहुत छोटा बनता है। एच कितना ही बड़ा दोगे, आई छोटा बनाएगा। और बेटा एक बात और जान लो यार, देखो जरा, अब यहाँ पे आई मान लो आई का मान 10 है और एच का मान 100,000 है। क्यों? तो बेटा आई जीटा है, माइनस का जीटा है। लो अब बताओ ये कितना देगा, ये मान लो 1,000,000 हो गया तो बड़े हुए, ये मान लो 2,000,000 हो गया तो मान लो 13,000,000 हुए 14,000 हुए, तो ये छोटा नहीं होगा जीटा का मान। जीटा का मान इसलिए छोटा होता है यहाँ पे, अब तक पीछे तो याद कराया था मैंने और यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर मैंने कर दिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच कितना भी बढ़ा दोगे ना, आई छोटा ही रहेगा। आई छोटा होने के नाते जीटा भी क्या होता है, वे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अपोज करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है ना। जो इंड्यूस भी डाइपोल है, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एच कितना ही बड़ा होगा, ये टॉपिक समझ में आया ना, मैंने अच्छे समझाया आपको। यार देखो जरा, एच कितना ही बड़ा कर दोगे, एच बहुत बड़ा कर दोगे, कितना भी टेस्ला 100,000 टेस्ला कर दोगे तो 10 या 15 टेस्ला बनाएगा, कितना बना पाएगा। जब इनके पास डाइपोल है, इंड्यूसर बना रहा है, इनके पास अगर डाइपोल होता कुछ देखा जाता, वो पैरा में मिलेगा आपको, तो ये भी आपका क्लियर होता है बेटा। ये देखो अब मैंने पढ़ा है चौथी में प्रॉबर्टी बताऊं, हाँ ये अगर बताऊं कि सुपर जो होते हैं ना, सुपर कंडक्टर उसमें बेटा जीटा का मान -1 होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, कह सकते हो अपवाद है, ठीक है ना, कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। -1 का मतलब यार भाई देखो भाई, ये मैं बताऊं तुमको रियलिटी में, ये होता है -10^3 से कहीं लेके -10^9 तक माइनस, इतना छोटा होता है और एक इंच से बहुत बड़ा होता है, तगड़ा विरोध करता है, सुपर जो होता है, ठीक है। चौथा देखो, चौथा में बताऊं तो आपने पढ़ा है बेटा μr इज इक्वल टू 1+ζ, ये भी शो आपने फार्मूला प्रूव किया है, ठीक है ना। म्यू आर इज इक्वल टू जो रिलेटिव परमिटिव होती है, 1+ζ होती है। अच्छा तो जीटा का मान इनके लिए बहुत छोटा होता है, डाया पढ़ रहे हो यार, बहुत छोटा होता है, माइनस का होता है, तो म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे म्यू आर का मान जो होता है ना, म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर, चार बातें वो क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई भी बेटा कोई भी मतलब की दिक्कत है नहीं आपको, यहाँ पे बढ़िया समझा आपने सब, जो कि पीछे मैंने कहा था देख लो, आज मैं आगे बताऊंगा बढ़िया से। अब मैं इसका ट्रैक करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको मैं मिटा दूँ तो बेटा 3-4 और हैं उसके बाद ओवर होता है। तो बेटा इसकी अगली प्रॉपर्टी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बेटा अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, द डाइपोल्स ऑफ डायमैग्नेटिक एलिमेंट मूव करते हैं, जानते हो किधर से किधर, स्ट्रांग टू वीक,
स्ट्रांग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे सर ये कैसे, नहीं आखिर बताओ ये क्या इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल्स ऑफ डायमैग्नेटिक एलिमेंट जो इस डाइपोल जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस लिख लो द इंड्यूस डाइपोल जो है, इंड्यूस डाइपोल हालांकि उनके पास कोई डाइपोल होता नहीं है, इंड्यूस डाइपोल देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, ए इधर से इधर भागना चाह रहा है, ठीक है ना, यानी कि चलो एक मिनट और मैं बनाता हूँ अभी। छठा मैं बनाता हूँ इसका डाइपोल का, बनाता हूँ मतलब कि स्ट्रक्चर बना दूँ आपके लिए ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर डायमैग्नेटिक एलिमेंट। चलो देखो जानते हो, आप जान रहे हो कि जो भी इसके ये डाइपोल्स होंगे वो क्या करेंगे, थोड़ा इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो एक गुजर ही गया, यार देखो जरा, अगर एक गुजर ही गया ऐसे बीचों बीच मान लो गुजर ही गया, ठीक है ना, अब ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए, जो भी छोटा मोटा हुआ ना ये लोग विरोध करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, अपोज करना शुरू कर दिए कि मैं नहीं आने दूंगा, चूंकि इन्हीं की वजह से बना हुई है, अब इन्हीं को अपोज कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा तुम इधर मत आओ, ठीक है ना, तो अगला जो जा रहा था, अगला जा रहा था वो यहां से न जाकर के कुछ ऐसे हो गया, ये अपोज कर रहा है ना, अपोज इनमें थोड़ी जाएगा, अगला कहीं ऐसे जाएगा, ऐसे कहीं गुजरेगा, अगला जो यहां से गुजर रहा है वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। लो इनको मतलब कि क्या, इनसे बाहर होके जा रहा है, इनसे दूर होना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिपल कर रहे हैं, यहां से भगा रहे हैं। तो बेटा इसमें कह सकते हो कि जो डायमैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो कम होते हैं किसकी तुलना में, बाहर वाले की तुलना में, बाहर डेंस होता है, बाहर घना होता है और अंदर क्या होता है, कम होता है, बाहर घना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ये भी याद कर लो कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डेंस, घने होते हैं, एंड इनसाइड वेरी लेस कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैंने क्या, अब ऊपर वाला समझो, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो जो डाइपोल इंड्यूस होंगे ना वो कहां से कहां, स्ट्रांग वाले से किधर भागते हैं, लो वाले की ओर, स्ट्रांग से कहां भागेंगे, अरे भाई समझो बढ़िया से, जहां पे स्ट्रांग होगा वहां पे जल्दी रिपल करेंगे, तो भाग के कहां जाएंगे, जहां पे बहुत घना होगा, अरे भाई सीधी बात समझो ना, कि मान लो भैंसों के झुंड में और एक आदमी छोड़ दिया जाए, भैंसों के झुंड में बहुत सारा आदमी कहां भागेगा, अगर अपोज कर रहा है आदमी उसके साथ थोड़ी जाएगा, भैंसों के साथ अपोज करेगा, पक्का अपोज करेगा, ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है, अपोज करेगा और कहाँ आएगा, जहाँ पे खाली रहेगा, ठीक वही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका ओवर होता है बेटा, ये होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब मैं अगर कुछ एग्जाम्पल इसके लिखवा दूँ ना, तो बेटा H2O हो गया, NaCl हो गया, कॉपर हो गया, जैसे मैं अपने पूछ कुछ लिखवाता हूँ बेटा, कॉपर हो गया और AU हो गया, सोना मतलब AG हो गया, चांदी मतलब, और ZN हो गया, ओके कार्बन भी हो गया, इसी में क्रिप्टन भी आता है बेटा, ठीक है ना, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको डायमैग्नेटिज्म जो सारा प्रोसेस था वो डायमैग्नेटिज्म का था, कौन सा प्रोसेस, जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि कैसे कैसे हमारा ये एलिमेंट डायमैग्नेटिक है, वही जो फेनोमेना सारी थी ना वो क्या बता रही थी कि हाँ वास्तव में डायमैग्नेटिज्म को दिखा रहा है, एक प्रोसेस हो गया, द प्रोसेस टू लर्न द अबाउट डायमैग्नेटिक एलिमेंट दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म, ओके। और जिस एलिमेंट पर आप पढ़ाई कर रहे हो एलिमेंट क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, सबस्टेंस कहलाता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पैरामैग्नेटिज्म की बातें लेकर के, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।